नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़ते। अज आपां स्टार्ट करदे आं पोल्ट्री इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन दा पार्ट 4। जे पार्ट नंबर 1, 2, 3 तुसीं नहीं देखिया तां वीडियो दे एंड विच तुहानूं वीडियो दा लिंक मिल जाऊ, उत्थे जाके उह चैक कर सकदे हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सीधी अपनी वीडियो से आने। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 की गल करिए, भारत का संविधान केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति किसन सौंपता है? इसका आंसर होगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 प्रेजिडेंट के सारे रूलों बारे डिस्कस किया गया है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 की गल करिए, भारत का राष्ट्रपति डैश द्वारा चुनिया जाता है? संसद और विधानसभा के मैंबर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की चोण होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 की गल करिए, मनी बिल राज विच पेश किस द्वारा किया जा सकता है? सिर्फ विधानसभा द्वारा मनी बिल राज विच पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 की गल करिए दोस्तों, हेठ लिखे विच केड़े दो राज्य लिए एक हाई कोर्ट बनाया हुआ है? मतलब दो स्टेट ने ते एक हाई कोर्ट है, वह दोनों ही स्टेट यूज़ करते हैं दोस्तों। तुम्हें पता है पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है जिहड़ा, वह दो राज्यों का एक हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 की गल करिए दोस्तों, राष्ट्रपति किस दी सलाह मशवरे नाल राज दीआं उच्चियां अदालतों के जजा की नियुक्ति करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह नाल, इस तों इलावा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ते राज दे राज्यपाल, स्टेट का राज्यपाल, इन्हां तिन्हां दी सलाह नाल जो राष्ट्रपति उच्च अदालत दे जजां दी नियुक्ति करदा है। क्वेश्चन नंबर 77 की गल करिए दोस्तों, किहड़े राष्ट्रपति ने लगातार दो बार अहुदा संभालिया है? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों लगातार दो बार यह सिलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 78 की गल करिए दोस्तों, संविधान सभा के मैंबर किस द्वारा चुने गए सी? सूबे की असैम्बली द्वारा, मतलब सूबे की असैम्बली सी ते उस द्वारा संविधान सभा के मैंबर चुने गए। ओके दोस्तों, एक इनफॉर्मेशन तुहानू होर देना चाहना, जे तुसी 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पोलिटी दे 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल बाय करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो मैं इस इंस्टाग्राम ID उपर मैसेज कर सकते हो, तो मेरे नाल गल करके तुसी वो परचेज कर सकते हो। इस PDF फाइल में दोस्तों पंजाबी गवर्नमेंट के जिन्हें भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन्होंने क्वेश्चन इनकलूड किए हुए हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम रिपीट भी हुए हैं तो ज इस रिलेटड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, जो परफेक्ट तैयारी करना चाहते हो एग्जाम की तो जरूर PDF नूं बाय कर लियो। दोस्तों नैक्सट सवाल की गल करिए, किसने उद्देशवादी मता अगे बढ़ाया और 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा भारत के संविधान की प्रस्तावना का टाइलदार बनाया से? पंडित जवाहर लाल नहरू जी ने उद्देशवादी मता अगे बढ़ाया से 13 दिसंबर 1946 संविधान में इनकलूड किया। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, जे किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म कारण पब्लिक अहदे तो इनकार किया जाता है तो किहड़ा अपना फंडामेंटल राइट इनकार किया जाता है? तो राइट टू इक्वालिटी, मतलब बराबरता का अधिकार के खिलाफ जे नागरिक को धर्म के कारण पब्लिक अहदे तो मना किया जाता है या कोई अहदा दिता नहीं जाता तो वह राइट टू इक्वालिटी दे अगेंस्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 की गल करिए दोस्तों, सिक्ख्या के आधार बुनियादी हक किस लेख तो प्राप्त होंगे? जो अपना फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, वह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21 में जीवन और निजी आज़ादी का जो फंडामेंटल राइट है उस विच राइट टू एजुकेशन का अधिकार दसाया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 की गल करिए, किहड़े अधिकारां डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा है? राइट टू कंस्ट्रक्शन रेमडीज, मतलब उसारी के उपचार के अधिकार, इन्ह राइट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कह के बुलाया है। ओके दोस्तों, 83 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, 42वें सोध एक्ट 1976 द्वारा संविधान में बुनियादी फर्ज शामिल किया गया सी, वह किसकी सिफारिश से किया गया सी दोस्तों? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से 42वीं सोध एक्ट निर्माण किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 84 की गल करिए, राष्ट्रपति अहदे की सहुं कौन दिंदा है? मतलब जो शपथ समारोह हुंदा है उस विच कौन इनकलूड हुंदा है राष्ट्रपति जदों शपथ ग्रहण की करवाई जाती है? चीफ जस्टिस की अगुवाई में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 की गल करिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का अस्थाई प्रधान कौन बनाया गया सी? डॉक्टर सच्चिदानंद जो अस्थाई प्रधान संविधान सभा का बनाया गया सी, कदों बनाया गया सी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद संविधान सभा का अस्थाई प्रधान बनाया गया सी। क्वेश्चन नंबर 86 की गल करिए दोस्तों, भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी में कितने मेंबर सन टोटल? 7 मेंबर से, पर संविधान की ड्राफ्ट कमेटी जो बनी थी 7 मेंबर इनकलूड किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 87 की गल करिए दोस्तों, भारतीय संविधान को कदों मंजूरी मिली सी? 26 जनवरी 1900 क्वेश्चन नंबर 87 की गल करिए दोस्तों, भारतीय संविधान को कदों मंजूरी मिली सी?
ਦੋਸਤੋ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਪੋਲਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਪੋਲਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1000 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1000 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਮੈਂ 200-200 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ 5 PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ PDF ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ 200 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ 200 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡੇਲੀ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੋਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ।